गाड़ी में बैठा हूँ, ये जीएमसी है, आ जाते हैं। उतरने के बाद हम उतरते हैं 2, 3, 4 बजे रात में, कितने बजे भी रात में हम जब उतर जाते हैं यहाँ पे, उतरने के बाद हम आ जाते हैं सऊदी। तो हमें एयरपोर्ट पे कौन लेने के लिए, एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे, बाहर निकलने के बाद ध्यान देना इस पे आप, बाहर जावेद ब्लॉक में आपका स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारा थैंक्स, बहुत सारा प्यार आप लोगों का, जो इतना सारा प्यार मिला है वीडियो पे। भाई सब, मैं वीडियो देख रहा था, अपनी सारी वीडियो देख रहा था, सब वीडियो देखने के बाद मैं सोच रहा था कि मैं आप कौन सी वीडियो बनाऊँ, कौन सी वीडियो बनाऊँ। तो भाई आप लोग कमेंट में बता दिया करो कि अगली वीडियो क्या बनाएं नहीं बनाएं, तो उसके हिसाब से मैं वीडियो बनाता रहूँगा। तो उसी कमेंट में मैंने, बहुत सारे कमेंट में मैंने देखा कि बहुत लोगों ने बोला कि जावेद भाई मैं बैंक में कैसा पैसा जो है कैसे भेजते हैं, सऊदी में जब हम आ जाते हैं सैलरी मिलती है तो हम पैसा बैंक से कैसे भेजते हैं। ये एक कमेंट था, ये भी बहुत अच्छा बात है भाई, मालूम होना चाहिए। इसके बाद जब हम एयरपोर्ट पे आ जाते हैं अपने घर से, इंडिया से जब हम अपने घर से आ जाते हैं सऊदी, तो हमें एयरपोर्ट पे कौन लेने के लिए आता है, ये बहुत अच्छा सवाल था। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ये वाला सवाल आपको बताने वाला हूँ। बाकी बैंक वाला जो जवाब है वो बैंक वाला वीडियो दूसरी वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। गाड़ी में बैठा हूँ, ये जीएमसी है, ठीक है। सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा जवाब ये है कि जब हम घर से आते हैं तो भाई हम घर से आ जाते हैं आराम से, जब हम घर से आते हैं ना, बैंक एजेंट के थ्रू आए या ऑफिस के थ्रू आते हैं या अपने रिश्तेदार के थ्रू आते हैं बाहर, तो एजेंट वाले भी इस कफिल का नंबर देते हैं हमको, भाई ये आप जाना, इस कफिल को फोन करना वहां पे, ठीक है। सब लोग नंबर देते हैं, रिलेशन वाले भी, आपको पता है यहाँ पे कोई ना कोई आपका रिलेशन तो लेने आ ही जाता है, नंबर एक। नंबर दो, जब हम एयरपोर्ट पे आपको यहाँ आ जाते हैं, उतरने के बाद हम उतरते हैं 2, 3, 4 बजे रात में, कितने बजे भी रात में हम जब उतर जाते हैं यहाँ पे, उतरने के बाद हम एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे, बाहर निकलने के बाद ध्यान देना इस पे आप, बाहर निकलने के बाद आपको देखना, आराम से रिलैक्स होकर के रहना, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई लेने आया है तो आपके नाम का बोर्ड होगा, हाँ ये नाम है या जो भी है, या आपका कफिल आपको पहचानता होगा तो वो खड़ा होगा, ध्यान देना इस पे। और अगर कंपनी में आप आ रहे हो तो कंपनी वाला बंदा कंपनी का नेम टैग लेके खड़ा होगा, ठीक है। तो आपको आपकी कंपनी का नाम मालूम होगा कि ये मेरा कंपनी है, तो हम जाकर के इसके पास चले जाएंगे, वो आपका नाम पूछेगा, पता लग जाएगा उसको कि वो आप उसकी कंपनी में आए हैं। और कफील के पास तो आपको बता ही दिया मैंने, अगर आपके रिलेशन वाले आपको लेने आए हैं तो आप पहचान ही जाओगे। अगर आपका कफील आपको लेने आया, ज्यादातर कफील लेने नहीं आता भाई, कफील कभी भी लेने नहीं आता, बहुत कम रेयर केस है जो लेने आ जाता है। जब आप एयरपोर्ट पे उतरते हो तो मान के चलो कोई हमें लेने नहीं आया, तो हम फोन कैसे करेंगे? जब हम बाहर निकलेंगे ना, तो भाई बंगाली पाकिस्तानी लोग टैक्सी चलाते हैं, तो बंगाली पाकिस्तानी लोग टैक्सी चलाते हैं, आप उसको अपना पासपोर्ट दो, पासपोर्ट नहीं मोबाइल नंबर दो, भाई इस नंबर पे लगाना, तो वो लगा देंगे। पूछो क्यों? क्योंकि वही बात कर सकते हैं अरबी में उनसे, वो बात करेंगे भाई कहाँ पे आना है, क्या आना है, उनको एड्रेस बता देगा, वो पहुँचा देंगे। दूसरी चीज, हम एयरपोर्ट पे उबर से भी जा सकते हैं, आप अगर आपको लोकेशन मालूम है तो उबर में लोकेशन आपको दे देता है, अगर कफील आपका कि हाँ तुम रुको मैं लोकेशन पे गाड़ी भेज रहा हूँ, तो उससे आप आ सकते हैं। इसके बाद अगर टैक्सी वाला जो सऊदी का टैक्सी होगा ना, उस पर ऊपर में लिखा होगा, रियाद में आप उतर रहे हो तो अर रियाद लिखा होगा, दम्माम में आप उतर रहे हो तो दम्माम लिखा होगा, जहां पे आप उतरोगे ना उस जगह का ऊपर टैक्सी पर लिखा रहता है पीले वाले, जैसे अपने इंडिया में लिखा रहता है ना एनसीआर टैक्सी, उसी टाइप से, ठीक है, उसी टाइप से लिखा रहता है। भाई पसीने आ रहे हैं मेरे को, मैं गाड़ी में एसी नहीं चल रहा है इसलिए बंद कर रखा हूँ। तो ये आपको समझ में आ गया अभी आपको? तो भाई ऐसे हम जो है एयरपोर्ट से यहाँ आते हैं, ठीक है। अगर आप उतरते हो ना, तो कहीं भी आप जब उतरोगे तो कोई ना कोई यहाँ पे हेल्प कर देता है, ऐसा कोई बात नहीं भाई, सब आपस में यहाँ पे हेल्प कर देते हैं। सऊदी लोग भी यहाँ टैक्सी चलाते हैं जैसे हमारे इंडिया में टैक्सी चलाते हैं, ठीक है। अगर हमारे पासपोर्ट को अगर टैक्सी वाला ले लेता है, मान के चलो पासपोर्ट टैक्सी वाला ले लेता है कि चलो मैं पहुंचा देता हूँ, तो भी डरने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो सबसे आसान मैंने बता दिया, आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर हो गई हो। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको घुमाता हूँ, मेरे घर के पास का ये लोकेशन है और मैं पैदल चल रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा आप लोग वीडियो भी इंजॉय करना आगे वाली जो भी हो, ठीक है।
बस मैंने ऐसे डाल दिया ताकि पीछे से देखो आपको कैसा लगता है। अभी यहाँ पे 6:15 हो रहा है, ठीक है, शाम का, और ये अब्दुल्ला सिटी है, रियाद का अब्दुल्ला सिटी। और सबसे बड़ा बिल्डिंग ये जो सामने देख रहे हो ना टावर, सबसे बड़ा टावर यही है अब्दुल्ला सिटी। सर्च करना यूट्यूब पे सर्च करना अब्दुल्ला सिटी, या आप गूगल पे सर्च करना अब्दुल्ला सिटी। तो देखो मैं भाई, मैं बहुत अच्छे लोकेशन पे रहता हूँ, मेरे सामने में सारी बिल्डिंग ही दिखेगी आपको, ठीक है। एक बिल्डिंग मैं उधर से दिखाता हूँ, देखो जूम करता हूँ, अगर आप लोगों को दिखेगा तो वो देखो घर के पीछे एक बिल्डिंग है, ठीक है। इसके बाद से ये देखो, ये नज़ारा देखो भाई, ये बैकग्राउंड का है, ठीक है। आप लोग कमेंट करोगे तो इसका मैं वीडियो बनाऊंगा सिंगल बाय सिंगल सबका। ये देखो ये टावर देखो, ये बहुत बड़ा टावर है, सिनेमा हॉल भी है इसके अंदर, और बहुत ही खूबसूरत है भाई, बहुत ही खूबसूरत भाई। इसका लोकेशन देखो एकदम गजब, देखो टावर देख रहे हो कितना खूबसूरत है पूरा। इसके बाद मैंने कहा था ना कि बिल्डिंग देखो, उस बिल्डिंग का क्या नाम है, तो देखो वो बिल्डिंग भी मेरे घर के पास से दिखता है सब कुछ। ये देखो, वो देखो सामने आपको दिखा, दिख रहा है भाई, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। उसके आगे किंगडम टावर है, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना दिखाई देगा, ठीक है। पूरा सब कुछ मेरे आसपास में भाई, मैं यहीं पे रहता हूँ, ये मेरा बैकग्राउंड का एरिया है, अगर मेरा फेस आ जाए तो देख लेना आप लोग। ठीक है, ये देखो पीछे से कैसा लगता है, यहाँ का घर सब कैसा है, ठीक है। तो देख लो भाई, यही अब्दुल्ला सिटी है, ठीक है, यही अब्दुल्ला सिटी है। जैसे हमारे यहाँ साइबर सिटी है ना गुड़गांव में, वैसे ही ये बनाया गया है, इसको अब्दुल्ला सिटी बनाया गया, पूरा साइबर, पूरा फाइनेंशियल एरिया है। इसके आगे की तरफ से जाएंगे ना तो मेट्रो आता है, मेट्रो बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग किया हुआ मेट्रो का, ठीक है। आप लोग कमेंट करोगे तो मैं अगली वीडियो जो है उसके लिए बनाऊंगा, उसके लिए बड़ा लंबा प्रोसेस है बनाने के लिए सिंगल बाय सिंगल, ठीक है। तो आप लोग इन्जॉय करो, देखो पीछे से भाई पेड़ वेड़ देखो कितना खूबसूरत है, एक गाड़ी लगी है देखो, लाल कलर की गाड़ी लगी है, ये कैमरी है भाई, टोयोटा की कैमरी है। बाकी रोड वोड देखो एकदम बिल्कुल साफ मिलेगा आपको, रोड बिल्कुल साफ। एक ये डब्बा देख रहे हो पीला कलर का, ये कचरे का डब्बा है, देखो हर जगह डब्बा मिलेगा आपको, यहाँ पे भी, उधर सामने भी, ये देखो यहाँ पे भी कचरे का डब्बा, ठीक है। रोज़ रात के 12:30 कचरे की गाड़ी आती है, ठीक है, तो वो इस डब्बे में से कचरे को ले जाती है, ठीक है, रोज। बाकी भाई कार सब लगी है, ठीक है। चलो फिर आप लोग चैनल, अगर आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, शुक्रिया।